सममिति या सिमेट्री। सममिति एक ज्यामिति अवधारणा है जिसका हम उपयोग करते हैं कुछ डिजाइन बनाने में, कुछ आर्किटेक्ट बनाने में या कुछ नक्शे बनाने में। सममिति का अर्थ क्या है, जैसा कि अगर हम यहां पर इस नाम को देखें, सम और मिति अर्थात समान, मिति यानी कि मापन, कि दो तरफ से किसी एक आकृति का मापन बिल्कुल समान हो तो हम उसे एक सममित आकृति कहते हैं। सममित आकृति का अर्थ है कि यदि हम एक आकृति ऐसी देखें और उस आकृति को यदि मध्य में से काट दिया जाए, मध्य में या आप कोई भी एक ऐसी जगह आपको मिल जाए जहां से उस आकृति को काटने पर दोनों तरफ से उस आकृति का आकार या उसका मापन बिल्कुल समान हो। जैसे यदि हम एक वर्ग को लेते हैं, यह हमारे पास एक वर्ग है, बिल्कुल इस तरीके की यह एक आकृति है। इस वर्ग को हम कई तरीकों से ऐसे काट सकते हैं कि इसके दो जो भाग हमारे पास आएंगे वो बिल्कुल बराबर होंगे। वो इस प्रकार से कि यदि आप इस वर्ग को बिल्कुल मध्य में से कुछ इस तरह से काटते हैं तो आपको यह मिलता है कि वर्ग का इधर का भाग और ये इधर का भाग दोनों बिल्कुल बराबर है। जैसे अब ये एक वर्ग है, आप इसको बिल्कुल इस बीच में से यहां से काट रहे हैं तो हम इसको ऐसे इस तरफ से मोड़ लेते हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि इसके जो दो भाग हमें मिलते हैं, इन दोनों भागों का जो आकार है वो बिल्कुल समान है। आप ये देखिए, ये दोनों भाग अगर हम एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो ये एक दूसरे को छुपा लेते हैं, यानी कि जो पीछे वाला भाग है वो आगे वाले के पीछे छुप जाता है, वो हम देख नहीं सकते। तो इस तरह से ये दो तरीके से कट जाता है। अब अगर हम इसी वर्ग में कोई और जगह से भी देखेंगे, क्या ऐसा कुछ हो सकता है? अगर हम इस वर्ग को कुछ इस प्रकार से काटते हैं, यानी कि अभी आपने इसको ऐसे काटा था, अब आप इसको ऐसे काटते हैं, तो क्या हो सकता है देखते हैं। ऐसे यानी कि हम इसको इन दोनों शीर्षों की तरफ से काट रहे हैं, तो जब हम इसको इन दोनों शीर्षों की तरफ से काटेंगे, या हमने इसको इसे काटा दोनों शीर्षों की ओर से, तो अब हमें दो आकृति मिलती है, यहां दो हमें त्रिभुज मिलते हैं। और अब हम देख रहे हैं दोनों त्रिभुजों में भी कुछ आकृतियां इस तरह की हैं कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के परस्पर संपाती हैं, यानी कि अगर आप इस त्रिभुज को इसके ऊपर रख देते हैं तो आपको पीछे वाला त्रिभुज इसमें दिखाई नहीं देता। तो अब हम यहां पर सममित आकृतियों की परिभाषा ये कह सकते हैं कि यदि किसी आकृति को किसी अक्ष के सापेक्ष काटा जाए तो यदि उसके दोनों भाग परस्पर संपाती हो, तो यदि उसके दोनों भाग परस्पर संपाती है तो वह आकृति सममित आकृति कहलाती है। और यह जो अवधारणा है पूरी, इसे हम कहते हैं सममिति। अब हम यहां पर कुछ और उदाहरण लेते हैं सममिति के, कि आपने एक अक्षर टी का अक्षर हमने लिया, इस टी अक्षर को अगर हम यहां पर देखें कि इसे हम किस प्रकार से सममित बता सकते हैं,
ये हमारे पास यहाँ टी की आकृति है। अब आप इस टी की आकृति में देखते हैं तो आपको इसमें एक ऐसी अक्ष ढूंढनी है जहां से आप अगर इसे काटें तो इसके दो भाग बिल्कुल बराबर हो। यदि हम इसको यहां से काटते हैं, अगर हम इसको यहां से काट दें तो आप देख रहे हैं कि नीचे कुछ और भाग मिलता है और ऊपर आपको कुछ और भाग मिलता है, तो वो इसकी सममित अक्ष नहीं हो सकती। अर्थात यदि आपने इसको बीच में से इधर से काट दिया तो आपके जो दो भाग मिलेंगे वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होंगे। लेकिन यदि आपने उसको कुछ इस तरह से काटा, अर्थात अगर हम ये टी लें और इसे बिल्कुल मध्य में से यहां से आप इसे काटते हैं, तो अब हम इसे काट कर देख लेते हैं। तो अब हमारे पास जो दो भाग मिल रहे हैं, ये देखिए बिल्कुल इस तरीके के ये जो दो भाग हमें मिलते हैं, ये भाग बिल्कुल एक जैसे लगते हैं दोनों के लिए। अर्थात यदि हम इस भाग को मोड़कर इसके ऊपर रखें तो आपको बिल्कुल परस्पर समपाती भाग यहां पर प्राप्त होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आपने यहां पर तो ये एक सममिति की अक्ष खींची, ये एक सममिति आकृति है, और इस सममित आकृति के अक्ष के परस्पर काटने पर आपको दो समपाती भाग प्राप्त होते हैं। अभी जो हमने टी की जो आकृति देखी, इस आकृति में केवल और केवल एक सममिति की अक्ष हमें प्राप्त होती है, लेकिन यहां कुछ ऐसी आकृतियां भी हैं जिनमें सममिति की एक से ज्यादा या अनंत अक्ष भी हो सकती है। तो अब हम वैसी आकृतियां देखते हैं। ये सभी आकृतियां होती हैं समबहुभुज की आकृतियां। समबहुभुज की सममिति रेखाएं, समबहुभुज एक ऐसा बहुभुज होता है जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है। यानी कि हमारे पास बहुभुज जो हम कहते हैं वो बहुभुज एक त्रिभुज हो सकता है, एक चतुर्भुज हो सकता है, परंतु एक ऐसा बहुभुज जिसमें सभी भुजाएं बराबर हो तो वो एक समबहुभुज कहलाता है। अर्थात यदि हम इसमें कह दें कि ये तो हमारे पास 2 सेंटीमीटर की रेखा है, ये 2 की है लेकिन ये 3 की है, तो ये एक समबहुभुज नहीं हो सकता। परंतु यदि हम कहें कि ये एक वर्ग है तो वर्ग एक समबहुभुज होता है क्योंकि उसकी सभी भुजाएं समान होती है। तो इस प्रकार के समबहुभुजों के लिए सममिति की रेखाएं किस प्रकार से बनती है, अब हम ये लेते हैं कि ये एक समबाहु त्रिभुज है यहां पर, इस समबाहु त्रिभुज को हम किस किस प्रकार से काट सकते हैं कि हमें दोनों भाग बिल्कुल समान मिले। अगर आप इस समबाहु त्रिभुज को ऐसे काटते हैं तो आपके पास दोनों भाग समान होते हैं, आप इसको अगर ऐसे काटें तो भी आपके पास दोनों भाग समान मिलेंगे, और यदि आप इसको इस तरह से काटें तो भी आपको दो भाग समान मिलेंगे। इस तरह से इसकी कुल 3 सममित रेखाएं यहां हो जाती हैं। कुल 3 सममिति इसकी रेखाएं हो जाती हैं। अर्थात ऐसे भी कुछ आकृतियां होती हैं जिनकी सममिति रेखाएं एक से ज्यादा होती हैं। तो अब हम कुछ आकृतियां देखते हैं जिनकी सममिति रेखाएं एक से ज्यादा हो सकती है या किसी की सममिति रेखाएं केवल एक है। सबसे पहले अभी हमने बात की एक वर्ग की, कि वर्ग को अगर आप इस तरीके से मोड़ते हैं तो भी इसके दोनों भाग समान रहते हैं, आप इसको इस तरीके से मोड़ेंगे तो भी दोनों भाग समान रहेंगे। अर्थात इस वर्ग में देखा जाए तो एक, दो, तीन और चार, यानी कि आपने ये बनाया
इस तरीके से आपके पास कुल चार सममिति रेखाएं यहां पर बनती है। किसी के भी सापेक्ष आप इसे काटे तो आपको दोनों तरफ बराबर की आकृतियां मिल जाएगी। लेकिन अब अगर हम इस आकृति को लेते हैं, इस आकृति में अगर हम इसको यहां से काटते हैं तो ये दोनों तरफ से समान मिलती है, पर क्या इसमें इसके अलावा और कोई ऐसी रेखा है जिसके परस्पर इसे काटने पर हमें दोनों तरफ के भाग समान मिले? नहीं। तो ये केवल एक सममिति रेखा वाला आकृति हो जाती है। और अगर हम अब लेते हैं एक वृत्त को, यह हमारे पास एक वृत्त है, इस वृत्त को आप ऐसे काटें दोनों भाग बिल्कुल समान होंगे, इस वृत्त को आप इस प्रकार से काटिए तो भी दोनों भाग समान होंगे, या आप इस प्रकार से काटिए तो भी आपको दोनों भाग समान मिलेंगे। अर्थात एक वृत्त को अगर हम कहीं से भी काटते हैं, अर्थात आपने इसको कुछ इस तरीके से मोड़ा यहां पर इसके व्यास के सापेक्ष, तो ये दोनों भाग आपको समान मिलते हैं। अर्थात हम बात कर रहे हैं एक वृत्त की। इस वृत्त में हम देखते हैं यहां पर कि आपने इसको इस तरह से मोड़ा है इस अक्ष के सापेक्ष, तो भी आपको दोनों भाग बिल्कुल समान मिलते हैं। इस अक्ष के सापेक्ष आपने मोड़ा फिर भी, और या फिर आप इस अक्ष के सापेक्ष मोड़ते हैं इसको तो भी। ऐसे हम यहां पर कई अनगिनत यहां पर सममिति रेखाएं बनाई जा सकती हैं। तो किसी एक वृत्त के लिए अनंत सममिति रेखाएं होती हैं। अब जो हमने अभी आकृतियां देखी हैं, देखते हैं कि उनमें कितनी कितनी सममित रेखाएं हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक वर्ग की। यह हमने एक वर्ग देखा था, इस वर्ग में कुल चार सममित रेखाएं हमें दिखाई दे रही है, एक आप दो इस तरीके से और दो फिर इनके शीर्षों को लेते हुए। एक वर्ग के लिए हमारे पास है चार सममित रेखाएं। फिर बात करते हैं इस आकृति की। इस आकृति में हम देखें सिर्फ हमें एक सममित रेखा दिखाई दे रही है, या हम बात करें पतंग की आकृति की, यह हमारे पास एक पतंग की आकृति है। इस पतंग की आकृति को भी बिल्कुल सिर्फ इस एक अक्ष से काटा जा सकता है सममिति के लिए, इसके अलावा इसके लिए कोई और अक्ष नहीं है। तो ये दोनों आकृतियां केवल एक सममित रेखा वाली आकृतियां हैं। फिर हमने बात की एक वृत्त की। जब हम एक वृत्त की बात करते हैं, वृत्त के लिए कितनी भी यहां पर सममित रेखाएं हो सकती है, अर्थात ये भी हमने यहां पर बनाई, इसके अलावा ये और सममित रेखाएं बनाई जा सकती है, और सममित रेखा बनाई जा सकती है। इस प्रकार से वृत्त के लिए अनंत सममित रेखा बनाई जा सकती है। तो वृत्त के लिए हमारे पास कुल अनंत सममिति रेखाएं होंगी।